हाई फ्रेंड्स इन दिस वीडियो विल बी डूइंग चैप्टर सेवन पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया वी हैव डिवाइडेड दिस चैप्टर इंटू फोर पार्ट्स विल बी डूइंग फर्स्ट पार्ट ऑफ हयर दिस इज फ्राम दी एस एस सब्जेक्ट क्लास नाइन जी एस सी बी एन सी आर टी सिलेबस दोस्तों इस वीडियो में हम सातवा पार्ट करेंगे पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया का इस पार्ट को हमने चार हिस्सों में विभाजित किया है हम पहला हिस्सा यहाँ करेंगे ये यह आपकी एस एस टेक्स बुक में से है नवीं कक्षा के जीएससी बी एन सी आर टी सिलेबस में से friends at the end of this video we'll be asking you some questions and let's see how you respond to it by commenting back It'll be a small quiz. क्विज़ दोस्तों इस वीडियो के अंत पर हम एक छोटा सा क्विज खेलेंगे आपके साथ देखते हैं आप कैसे आंसर भेजते हो उसको क्विकली रिस्पॉन्ड कर कमेंट कर Friends, this is yet another interesting chapter post independence for India. We learn how India you know, started taking steps ahead for its development. What were the issues that were faced? Like you know, um, joining the five hundred and sixty-two princely state into one union was a big task. How was it uh, you know completed? How was it you know initiated by some of the strong heads of India? And that's what we learn over here. दोस्तों इस चैप्टर में हम यह सीखेंगे कि आज़ादी मिलने के बाद क्या क्या तकलीफें हमारे कुछ दुरंधर नेताओं ने फेस की पाँच सौ बासठ रजवाड़ों को एक करना कोई आसान काम नहीं था उसमें से कुछ स्टेट्स तैयार भी नहीं थे हम, हमारे साथ जुड़ने के लिए भारत के साथ घुल मिलने के लिए तो वो भी तकलीफें थी तो इसी को हम डिटेल में स्टडी करेंगे एक चीज़ आपको ध्यान देनी है कि ये अगेन और एक सोशल साइंस का सब्जेक्ट है एस एस का सब्जेक्ट है और मैं आपको इसको स्टोरी की तरह समझाऊँगा ध्यान दीजिएगा बहुत मजा आएगा एंड तक फ्रेंड्स बिफोर वी कंटिन्यू विद दिस चैप्टर आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज सब्सक्राइब विद आर चैनल ज्ञान गुरुवाणी दोस्तों इस पार्ट में आगे बढ़ने से पहले मेरा रिक्वेस्ट है आपसे कि आप हमारी चैनल ज्ञान गुरुवाणी के साथ सब्सक्राइब कीजिए तो सब्सक्राइब करने के लिए मैं आपको पाँच सेकंड देता हूँ जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए जल्दी चलो पाँच चार तीन दो एक शून्य थैंक यू थैंक सलॉट दोस्तों चलो आगे बढ़ते हैं पार्ट में पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया द आर्टिकल ऑफ India's इंडिपेंडेंस was पास इन the ब्रिटिश पार्लियामेंट इन the ईयर 1947. So, सेवन सो उन्नीस सौ सैंतालीस में भारत की स्वतंत्रता का आर्टिकल ब्रिटिश पार्लियामेंट में पास किया गया था ये पहली सबसे एक शॉकिंग चीज़ है कि उसका मेनो you know, पासिंग आर्टिकल का पासिंग यहाँ नहीं हुआ और ब्रिटिश पार्लियामेंट में हुआ अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल इंडिया एंड पाकिस्तान गॉट इट्स एक्जिस्टेंस इस आर्टिकल के अनुसार भारत और पाकिस्तान को अपना अस्तित्व मिला देर आर टू मेजर प्रॉब्लम्स बिफोर द कंट्री देश के सामने दो महत्वपूर्ण प्रॉब्लम्स थे फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सबसे पहले भारत का संविधान बनाना एंड टू पुट एन एंड टू दॉवरनिटी ऑफ ब्रिटिश एम्पायर ऑन द प्रिंसली स्टेट्स एंड इमर्जिंग दैम इन टू मेकिंग एंड इंटैक्ट इंडिया और दूसरा था ब्रिटिश साम्राज्य का सॉवरिनिटी जो उनका दबदबा था उसको बंद करना और जो हमारे पाँच सौ बासठ थे प्रिंसली स्टेट मतलब हमारे पाँच सौ बासठ छोटे मोटे रजवाड़े थे उनको मर्ज कर कर एक भारत बनाना ये बहुत बड़ा चैलेंज था भारत के आगे एट दैट टाइम देवर फाइव हंड्रेड एंड सिक्सटी टू प्रिंसली स्टेट्स जैसे मैंने बताया उस वक्त पाँच रजवाड़े थे भारत में फोर्टी एट परसेंट प्रिंसली स्टेट्स द टोटल एरिया ऑफ इंडिया भारत के टोटल एरिया में 48 परसेंट रजवाड़ों का हिस्सा था मतलब 48 परसेंट रजवाड़े जो थे उसने भारत का पूरा एरिया कवर करके रखा था 20% परसेंट ऑफ इंडिया पॉपुलेशन डिसाइडेड इन दी प्रिंसली स्टेट्स भारत की 20% प्रतिशत आबादी इन रजवाड़ों में रहती थी कश्मीर हैदराबाद एंड मैसूर वर बिग स्टेट्स कश्मीर हैदराबाद और मैसूर बड़े बड़े राज्य थे बड़े स्टेट्स थे अदर स्टेट्स व स्मॉल बाकी राज्य बहुत छोटे थे देर वर स्टेट विच वर टू स्मॉल एंड वर एट विलेज इन एस विलेज इन फॉर्म कुछ कुछ राज्य तो बहुत छोटे थे जैसे आप देखोगे तो ऐसा लगेगा कोई गाँव है गाँव के साइज़ के कुछ राज्य थे इट वॉज अ मेमट टास्क टू कन्विंस दीज किंग्स एंड नवाब्स इन राजाओं को और नवाबों को कन्विंस करना एक बहुत ही मेमट टास्क का बहुत ही विशाल कार्य था मोर ओवर इट वॉज टू बी डन वेरी स्पीडली सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण काम था क्या था कि इस काम को ख़त्म तो करना है लेकिन बहुत तेजी से करना है तो इट वॉज मोर इम्पॉर्टेंट कि ये जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए आफ्टर गेनिंग इंडिपेंडेंस महाराजा ऑफ भावनगर कृष्ण कुमार सिंह वॉज द फर्स्ट किंग टू स्टार्ट रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट ऑन फिफ्टीन जनवरी नाइनटीन स्वतंत्रता मिलने के बाद महाराजा भावनगर के जो महाराजा थे कृष्ण कुमार सिंह वो सबसे पहले राजा बने गवर्नमेंट बनाने के लिए उन्होंने 15 जनवरी 1948 को ये किया भावनगर स्टेट वॉज मर्ज विद यूनाइटेड सौराष्ट्र स्टेट which was created due to the efforts of Sardar Patel on 15 February 1948. भावनगर राज्य यूनाइटेड सौराष्ट्र स्टेट के स्टेट में विलीन हो गया इसमें सरदार पटेल ने बहुत महत्वपूर्ण प्रयास और एफर्ट्स किए थे था। उन्होंने 15 फरवरी 1948 को ये कार्य खत्म किया था द इवेंट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द यूनाइटेड सौराष्ट्र स्टेट वॉज डिस्क्राइब्ड बाय जवाहरलाल नेहरू एज अ मोस्ट नोटेबल मर्जर इन दी कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री यूनाइटेड स्टेट का बनना उसमें भावनगर का विलियन होना ये बहुत ही मेहमत टास्क था नोटेबल टास्क था जो जवाहरलाल नेहरू जी ने अप्रिशिएट भी किया था ये इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप बन के रह गया सरदार वल्लभ भाई पटेल अपील टू द किंग्स एंड नवाब्स ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स दैट दे शुड वॉल्टर फॉर सेकिया रिस्पॉन्सि रिस्पेक्टिव स्टेट्स इन द इंटरेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट एंड द यूनियन ऑफ इंडिया तो श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सारे राजाओं को और नवाबों को और प्रिंसली स्टेट के जो जो नवाब थे राजाओं थे उनको वॉल्टरली खोला कि आप स्वेच्छा से भारत में विलीन हो जाइए और ये भारत के हित में रहेगा और भारत की यूनियन ऑफ इंडिया में आप एक हो जाइए इसे उन्होंने रिस्पेक्ट रिक्वेस्ट की ये स्टिम्यूलेटेड नेशनलिज्म उन्होंने बताया कि इसमें राष्ट्र की हित राष्ट्र के हित में ही सब कुछ होगा किंग्स रजवाड़ाज एंड नवाब कंट्रीब्यूटेड इन द मेकिंग ऑफ स्ट्रोंग इंटीग्रेटेड एंड प्रॉस्परस इंडिया राजा रजवाड़े और नवाब ने सभी ने आगे आके एक स्ट्रॉन्ग और समृद्ध भारत बने इसके लिए आगे आके उन्होंने अपनी वॉल्टियरशिप वॉल्टियरशिप से अपने अपने राजवाड़ों को स्टेट को भी छोड़ दिया और भारत में विलीन हो गए सरदार पटेल अश्योर देम टू तो प्रोटेक्ट देयर राइट्स एंड इंटरेस्ट उनके इंटरेस्ट को उनके राइट्स को संभालने का और उनको बरकरार रखने की सरदार पटेल ने उनको दी थी नाव पटेल एंड इज सेक्रेटरी ऑफ द होम डिपार्टमेंट मिस्टर वी पी मेन प्रिपेयर द ड्राफ्ट फॉर अटैचमेंट बॉन्ड एंड स्टेटस क्यो अग्रीमेंट तो सरदार पटेल और उनके होम डिपोर्ट डिपार्टमेंट के जो सेक्रेटरी थे मिस्टर वीपी पी मेन उन्होंने ये अटैचमेंट बॉन्ड बनाया एक अग्रीमेंट जिसको कहते हैं और स्टेटस को अग्रीमेंट बनाया ताकि ये सबके साथ शेयर किया जाए कंसर्न मिनिस्टर्स एंड द जॉइंट कमेटी ऑफ द किंग्स गेव अ फाइनल शेप ऑफ दिस टू दिस तो कंसर्न मिनिस्टर्स और जॉइंट कमेटी के जो राजा होते उन्होंने इसको आकार सही सही आकार दिया इस बॉन्ड को और उसके स्टेटस के अग्रीमेंट को किंग्स वर हैप्पी विद द ड्राफ्ट इस ड्राफ्ट से सारे राजा बहुत खुश थे एक्सेप्ट कश्मीर हैदराबाद एंड जूनागढ़ फाइव हंड्रेड एंड फिफ्टी नाइन प्रिंसली स्टेट्स एक्सेप्टेड दिया इंस्ट्रूमेंट एक्सेप्टेड दिस इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेप्ट एसेशन एंड जॉइन द यूनियन ऑफ इंडिया तो कश्मीर हैदराबाद और जूनागढ़ के अलावा पाँच सौ उनसठ प्रिंसली स्टेट्स ने इस एग्रीमेंट को ड्राफ्ट को एक्सेप्ट किया और भारत में विलीन हो गए तो इसके अंतर क्या हो गया कि पाँच सौ बासठ रजवाड़ों में से पाँच सौ उनसठ रजवाड़े भारत में विलीन हो गए तीन रेडी नहीं थे वो तीन कौन से थे कश्मीर हैदराबाद और जूनागढ़ हैदराबाद the Nizam of Hyderabad, with its states from southern part of India, declared its independence on 15th August. 15 August. तो 15 अगस्त जिस दिन भारत स्वतंत्रता स्वतंत्र हुआ उसी दिन हैदराबाद के निज़ाम ने अपनी स्वतंत्रता जाहिर की अपने कुछ राज्यों के साथ एज पर इट्स जोग्राफिकल लोकेशन इट वॉज बाउंड टू जॉइन इंडिया उसके जोग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से स्वाभाविकता के वो भारत को ज्वाइन कर पाता था बट द फैक्ट वॉज ब्रॉड टू दे आर नोटिस दैट हैदराबाद बी एबल टू रिमेन एन इंडिपेंडेंट स्टेट एज इट वॉज सराउंडेड बाई इंडियन टेरिटरीज तो उनको ये चीज़ बताई गई हकीकत बताया गया कि हैदराबाद के इर्दगिर्द जितने भी राज्य हैं सारे भारत के हैं तो इसके बीच में आप एक इंडिपेंडेंट स्टेट बन के नहीं रह सकोगे न निज़ाम कैरिफाइड द मैटर बाय सेंग दैट इन केस कंट्री इज डिवाइडेड देन ओइंग टू इट्स जोग्राफिकल रीजन्स दे विल दे वुड नॉट बी एबल टू जॉइन पाकिस्तान एंड दे वुड नॉट बी एबल टू जॉइन इंडिया ओइंग टू इट्स आइडियोलॉजिकल रीजन्स तो निज़ाम ने अपने मैटर क्लियर करते हुए मीनो uh, you know, भारतीयों को या सरदार पटेल को या जितने भी बड़े बड़े राजनेता थे जवाहरलाल नेहरू ने उन सभी को ये चीज़ बताई कि जोग्राफिकल लोकेशंस के, के वजह से उसकी इच्छा है कि वो पाकिस्तान ज्वाइन करे लेकिन वो वहाँ नहीं कर पाएगा और उनके आइडियोलॉजीज जो है उनकी विचारधारा जो है वो भारत के साथ मिलती जुलती नहीं है इसलिए वो इंडिया के साथ भी ज्वाइन नहीं हो पाएगा इसलिए उसने स्वतंत्र स्वतंत्र रहने का डिसीजन लिया था कि वी विल रिमेन इंडिपेंडेंट करके अंडर सच सर्कमस्टेंसेज दे वुड प्रेफर टू रिमेन इंडिपेंडेंट उन्होंने बताया कि ऐसे कारणों के वश हम लोग इंडिपेंडेंट रहना पसंद करेंगे नेगोशियशंस बिग्न विद द निज़ाम तो अब निज़ाम के साथ सब भावतोल चालू हो गया कि भाई निगोशिएशन चालू हो गया कि ऐसा क्यों कर रहे हो इंडिया में विलीन हो जाओ अच्छा रहेगा आपके लिए तो बहुत सारी चीज़ें उनको समझाने में आई सरदार पटेल ब्लंटली स्टेटेड टू दी नेगोशिएटर ऑफ़ द निज़ाम दैट पीपल ऑफ़ हैदराबाद आर ईगर टू बी विद द यूनियन ऑफ इंडिया तो एकदम दो टुक शब्दों में सरदार पटेल ने उनको साफ साफ शब्दों में समझा दिया था कि नहीं हैदराबाद के लोग तो भारत के साथ विलीन होना चाहते हैं तो आप क्यों ऐसे अलग नो बात पकड़ के बैठे हो मीन वाइल द निज़ाम्स ऑफिसर्स स्टार्टेड कमिटिंग एट्रोक्रेटिस्ट ऑन द पीपल ऑफ़ हैदराबाद तो यहाँ निज़ाम के ऑफ़िस थे उन्होंने अपना दबदबा हैदराबाद के लोगों पर चालू कर दिया के ताकि वो uh, ऐसी ऊँची खुद के खुद के स्वतंत्रता आवाज़ ऊँची ना उठाए के उठाए के हमको भारत में जाना है तो उनको दबाना शुरू कर दिया था अल्टीमेटली हैदराबाद वॉज मर्ज विद दूनियन ऑफ इंडिया बाई यूजिंग पुलिस फोर्स ऑन एटीन सेप्टेम्बर नाइनटीन फोर्टी एट तो अंत में हैदराबाद को भारत में विलीन कर दिया था पुलिस फोर्स लगाकर ताकत लगाकर यह हुआ 18 सितंबर 1948 को सरदार पटेल अश्योर द निज़ाम टू तो प्रोटेक्ट ऑल दे आर इंटरेस्ट सरदार पटेल ने निजाम को सात्वना दी कि हम सारी आपकी इंटरेस्ट को ध्यान में रखेंगे कन्यालाल मुंशी प्ले ड वेरी क्रूशल रोल इन दायर एपिसोड इस एपिसोड में हमारे और एक नेता थे कन्यालाल मुंशी उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई आफ्टर रिफॉर्मिंगी सिक्स दफ़ हैदराबाद वेटर इंक्लूडेड इन आंध्र प्रदेश तो उन्नीस सौ छप्पन में जो रिफॉर्म्स हुआ स्टेट्स में उसके बाद हैदराबाद को आंध्र प्रदेश में जॉइन कर दिया वो विलीन हो गया उसमें जूनागढ़ ऑन द डे ऑफ इंडिपेंडेंस द नवाब ऑफ जूनागढ़ रोट एंड इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन टू जॉइन पाकिस्तान तो इंडिपेंडेंस के दिन जूनागढ़ के जो नवाब थे उन्होंने एक इंस्ट्रूमेंट लिखा ये कह के कि हम पाकिस्तान के साथ जुड़ने वाले हैं अब यहाँ सोचने वाली बात है दोस्तों कि जूनागढ़ गुजरात के बीच में एक छोटा सा प्रांत था स्टेट था इस वक्त के गुजरात के बीच में जो अपने आप को ज्वाइन करना चाहता था पाकिस्तान के साथ और यही ख्याल शायद निज़ाम के साथ हैदराबाद के निज़ाम के साथ भी था लेकिन वो ज़्यादा कह रहा हुआ था इंडिया के सेंटर पे था लेकिन यहाँ इस बंदे ने कुछ ज़्यादा ताक़त दिखाई थी उस वक्त कि उसकी इच्छा बताई थी हमको पाकिस्तान में विलान विलीन होना है पाकिस्तान इन टर्न गिव देर कंसेंट तो इस चीज़ को तो पाकिस्तान रेजी हो रेडी हो गया था कि वो एनी विच वेज चाहता था कि भारत के टुकड़े हो क्योंकि वो जम्मू एंड कश्मीर यहाँ हैदराबाद और जूनागढ़ के लोगों के साथ तो टच में था ही और बांग्लादेश के साथ भी था वो हम आगे बाकी चैप्टर्स में भी शायद पढ़ेंगे तो पाकिस्तान वहाँ रेडी हो गया सरदार पटेल डिसाइडेड टू तो टेक काउंटर मेजर्स अगेंस्ट दिस तो इस चीज़ को लेकर सरदार पटेल तो स्वीकारने को तैयार नहीं थे उन्होंने कहा कि जो एक्शंस लेना पड़ेगा हम लेंगे पीपल ऑफ़ जूनागढ़ लिविंग इन मुंबई एस्टाब्लिश्ड अर्जिल हुकूमत इन मुंबई तो जो है जूनागढ़ के लोग थे जो मुंबई में रहते थे उन्होंने अर्जिल हुकूमत नाम की छोटी सी एसोसिएशन बना बनाई ड्यूरिंग दिस टाइम द शेख्स ऑफ मांगरोल एंड मानवदार डिसाइडेड दे आर विश टू जॉइन द यूनियन ऑफ इंडिया इसी समय पर मांगरोल के जो शेख थे और मानवदार के के जो शेख थे उन्होंने क्या डिसाइड किया कि हम इंडिया को जॉइन करेंगे ना इंडियन सोल्जर्स एंड नेवी हु आर पोजिशन टू प्रोटेक्ट मानादार एंड मांगरोल बीसीज सीज जूनागढ़ बी सीज दूनागढ़ स्टेट्स तो भारत भारत के जो सैनिक थे और नेवी के में वो लोग ने वो मांगरोल को और मानवदार को प्रोटेक्ट कर रहे थे लेकिन जब वो भारत में विलीन हो गए तो वो लोग जाकर उन्होंने जूनागढ़ स्टेट को बीसीज किया बीसीज का मतलब यहाँ होता है घेर लिया वहाँ पे तो उनको हमारी सेना को सिर्फ अपना पोजीशन बदलना था नाउ ड्यूइंग दिस द नवाब ऑफ जन जूनागढ़ जूनागढ़ फ्लेट टू तो पाकिस्तान अब ये जब हुआ जब हमारे सोल्जर्स ने उनको घेर लिया ये नवाब जो था जूनागढ़ का वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर भाग गया था पाकिस्तान रातों रात ऑन नाइन्थ और नाइन्थ ऑफ नवंबर 1947 फोर्टी सेवन रेफरेंडम ऑफ द पीपल ऑफ़ जूनागढ़ वॉज टेकिन तो नौ नवंबर उन्नीस सौ को भारत के लोगों का रेफरेंडम मतलब उनकी विश क्या है जनमत क्या है उनकी इच्छा क्या है ये देखा गया दस द जूनागढ़ मर्जर विद द यूनियन ऑफ इंडिया वॉज मेड पॉसिबल ओइंग टू सरदार पटेल्स कट्स एंड ट्रेमेंडस विल ऑफ़ द पीपल ऑफ़ जूनागढ़ तो जूनागढ़ के मर्जर जब भारत के साथ हुआ इसके दो मुख्य कारण थे एक तो इच्छा शक्ति सरदार पटेल की और वहाँ के लोगों की भी इच्छा शक्ति जो जूनागढ़ के लोग जो चाहते थे कि हम भारत में विलीन हो जाए कश्मीर द इश्यू ऑफ कश्मीर वॉज द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड ऑफ ऑल तो कश्मीर का जो इश्यू था वो सबसे पेचीदा था सबसे कॉम्प्लिकेटेड था राजा हरी सिंह ऑफ कश्मीर वॉज इनडिसिव uh, लेकिन राजा हरी सिंह जो थे कश्मीर के वो टस से मस होने वाले मसे नहीं थे मीन वाई पाकिस्तान अटैक कश्मीर तो उसी समय पर पाकिस्तान ने कश्मीर पर हमला कर दिया था राजा हरी सिंह रिक्वेस्टेड फॉर मिलिट्री असिस्टेंस टू प्रोटेक्ट जम्मू एंड कश्मीर अगेंस्ट पाकिस्तान अटैक पाकिस्तानी अटैक तो राजा हरि सिंह जो थे कश्मीर के राजा ने उन्होंने जम्मू और कश्मीर को मदद अपने आप को बताने बचाने के लिए पाकिस्तान के हमलों से मदद मांगी कि हमको मिलिट्री असिस्टेंस चाहिए द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंसिस्टेड द राजा हरि सिंह शुड फर्स्ट साइन द इंस्ट्रूमेंट ऑफ सेशन एंड देन द इंडियन मिलिट्री कुड बी सेंड तो सिंपल सिंपल रिक्वेस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रखा कि हम आपको मदद करेंगे लेकिन आपको भारत में विलीन होना पड़ेगा वन ऑफ द क्लॉजिज इन इंस्ट्रूमेंट ऑफ सेशन वॉज दै आफ्टर द रिस्टोरेशन ऑफ नॉर्मल सिचुएशन इन कश्मीर पब्लिसिट वुड बी हेल्प फॉर परमानेंट मर्जर विद इंडिया तो एक क्लॉज एक वहाँ ये रखा गया था कि आ, अगर ये सब सिचुएशन सब जब नॉर्मल हो जाए कश्मीर में तो एक पब्लिसिटी मतलब जनमल जनमत ले लिया जाएगा कि लोगों की इच्छा क्या है ये चीज़ हम देखेंगे और उसके बाद परमानेंट मर्जर इंडिया के साथ हो जाएगा इमिडिएटली आफ्टर साइनिंग द लेटर द इंडियन आर्मी प्रोटेक्टेड कश्मीर तो तुरंत ही जैसे साइन हो गया ये लेटर इंडियन आर्मी ने कश्मीर को प्रोटेक्ट किया बट पाकिस्तान हैक्यूपाइड वन थर्ड पोर्शन ऑफ कश्मीर लेकिन उस समय तक पाकिस्तान ने ऑलरेडी वन थर्ड पोर्शन जम्मू कश्मीर का कैप्चर uh, कर लिया था जो आज भी उनके पास है जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख आर अंडर कंट्रोल ऑफ पाकिस्तान बट लीगली दे रिमेन रीजन बिलोंग्स टू इंडिया दैट टाइम उस समय पर जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख उनके कंट्रोल में आ गया था लेकिन लीगली देखें तो ये ये पोजीशन ये सारा जगह इंडिया को बिलोंग करता है बट द रेस्ट ऑफ कश्मीर वॉज सेफ बट उसी समय जो बचा कुचा में हिस्सा था वो सारा भारत में कश्मीर में बचाया गया था वो भारत का हिस्सा था इंडिया हैड रजिस्टर्ड इंडिया हैज़ रजिस्टर्ड अ कंप्लेन्टेंगे कंप्लेन अगेंस्ट पाकिस्तान इंडिया सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ़ यूनाइटेड नेशंस यूनाइटेड नेशनस के सिक्योरिटी काउंसिल में भारत ने पाकिस्तान के अगेंस्ट एक कंप्लेन लॉन्च की उस वक्त द सिक्योरिटी काउंसिल सजेस्टेड फॉर सीज़ फायर उस वक्त सिक्योरिटी काउंसिल ने क्या कहा भाई झगड़ा मत करो शांत हो जाओ सीज़ फायर मतलब आप भी हमला मत करो और कश्मीर के में पाकिस्तान के लोग भी हमला नहीं करेंगे इसके वजह से क्या मतलब उन्होंने और क्या बोला कि जो आर्मीज है जो मिलिट्रीज है जो जहाँ पर है वहीं रहेंगे तो आज भी हमारे नो सैनिक वहाँ पर तैनात हैं इवन टूडे द कश्मीर इशू इज़ दी कंटिन्यूस इशू इन द रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान तो आज के समय तक इंडिया और पाकिस्तान के बीच में काम कश्मीर का इशू एकदम सुलगता हुआ इशू है जो सॉल्व नहीं हुआ है इन दिस वे टूवर्ड द एंड ऑफ नाइनटीन फोर्टी एट पोलिटिकल यूनिटी ऑफ इंडिया वॉज एस्टैब्लिश्ड बाई वेरियस हिस्टोरिकल एंड नॉन वायलेंट मूवमेंट्स इसी तरह से Uh, बहुत सारे हिस्टोरिकल uh, इवेंट्स हुए नॉन वायलेंट हुए हुए और नाइनटीन एट में पॉलिटिकल यूनिटी की वजह से ये सारी चीज़ पॉसिबल हुई दोस्तों कश्मीर जूनागढ़ और हैदराबाद इसकी आपको स्टोरीज अगर सुननी है तो एक सीरियल आता था टीवी पर प्रधानमंत्री नाम का इसके uh, मिस्टर शेखर कपूर इसके uh, एंकर uh, थे यू माइट वॉन्ट टू गूगल इट एंड चेक इट आउट दी वीडियोज़ इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी छोटे छोटे सीरियल है हाफ एन आर के इट्स वर्थ स्टडिंग दैट एंड जस्ट इन केस यू डोंट नो हु शेखर कपूर हो इज शेखर कपूर यू माइट हैव नोन अबाउट द मूवी नेम मिस्टर इंडिया सो दिस मूवी वॉज मेड बाय मिस्टर शेखर कपूर तो अगर आपको पता ना हो शेखर कपूर कौन है तो भारत में एक मूवी हुई थी बॉलीवुड में मिस्टर uh, इंडिया नाम की अनिल कपूर की तो ये मूवी में शेखर कपूर ने बनाई थी तो यू माइट वॉन्ट टू चेक दैट ओके फ्रेंड्स दिस इज द क्विज टाइम नाउ सो फ्रेंड्स दिस इज द क्विज वन फॉर द फर्स्ट वीडियो दोस्तों ये पहला क्विज है पहले वीडियो के लिए इसमें पांच क्वेश्चंस दिए गए हैं यू बीन गिवन फाइव क्वेश्चंस आई रिक्वेस्ट यू टू पॉज दिस वीडियो गो थ्रू दिस स्लाइड ओवर हीयर एंड आंसर द क्वेश्चन बाय कमेंटिंग इन द कमेंट बॉक्स बिलो दोस्तों इस वीडियो को यहाँ पॉज कर देना और इस प्रश्नों के आंसर्स आप मुझे कमेंट करके बताइएगा ऑल द बेस्ट ऑलरेड फ्रेंड्स दिस इज द एंड ऑफ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर दोस्तों इस चैप्टर का ये पहला हिस्सा यहाँ खत्म होता है अगर आपको कुछ डाउट्स है तो वीडियो फिर से प्ले ज़रूर कीजिएगा इफ़ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज़ रिविजिट द वीडियो अगेन थैंक यू बाय एंड हैव अ नाइस डे दिस इज़ कन्हैया पटेल जय स्वामीनारायण